दुख तकलीफ परेशानियां तो आएंगी पर हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ते। माँ बाप वो शख्स हैं जो मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ते। इस कहानी में हम लोग यही देखने वाले हैं, आखिर एक छोटा सा बच्चा जो कि जिसके पिता बहुत ही कम उम्र में जब बच्चा छोटा था वो नहीं रहते, इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं, उस वक्त अपने फैमिली को संभाल करके अपने परिवार को संभाल करके और किस मुकाम पर ले जा करके खड़ा किया है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। आखिरकार वो शिक्षा कहाँ से लिया, माँ बाप के परवरिश से कैसे लिया, ये सब इसमें जानेंगे। वो शख्स और कोई नहीं, बात कर रहे हैं पंडित बिरजू महाराज की, जो कि एक नृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, एक तरह से बोले तो डांसर हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग वर्णन करने वाले हैं। आखिर इनका बचपना कैसे रहा, कैसे इनके पिता की मृत्यु हो गई, क्या वजह था, उसके बाद से इनको कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ा अपने जिंदगी में। देखिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो परेशानी तो आएंगी, यही तो है आपका टेस्ट। अगर पास हो गए तो यू आर द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वही देखिए क्या है, बिरजू महाराज के बारे में जानना है। जीत जीत में निरखत हूँ, इन्होंने एक लिखा है, और ये क्या है, साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू लेने वाले आकर के इंटरव्यूअर मीडिया वाला पूछ रहा है कि बताइए बिरजू महाराज, आप इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, आखिर इस सफलता का राज क्या है, अपने जिंदगी के बारे में बताइए कि आप अपना जिंदगी कैसे बिताएं, उसी के बारे में जानना है। यहाँ पे वो नाटक चल रहा है और नाटक में एक आदमी इंटरव्यूअर यानी कि जो इंटरव्यू लेता है उसका रोल लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए नटरंग की संपादक, ठीक है, एक रश्मि है, रश्मि वाजपेयी का प्रश्न है। देखिए वो प्रश्न करती है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या बताते हैं। बिरजू महाराज बोलते हैं कि हमारा जन्म 1938 में हुआ, 4 फरवरी के दिन हुआ, याद रखिएगा, बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938, 40 में 2 कम। कहाँ हुआ था तो देखिए लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, याद करते चलिए। लखनऊ में एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था जफरीन, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। और किस दिन हुआ था तो वसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था। याद देखिए उनकी 3 बहन थी। लेकिन एक और बात बता दें, देखिए जो बिरजू महाराज के पिताजी थे, ठीक है, तो बिरजू महाराज की 3 बेटी थी और एक बेटा था जो बिरजू महाराज थे। लेकिन वो जो बेटा हुआ बहुत दिनों के बाद हुआ, यानी कि उनकी मम्मी का उम्र कितना हो गया था, 28 वर्ष, और उनकी सबसे छोटी बड़ी लड़की की उम्र 15 वर्ष हो गया था। तो लगभग छोटी बेटी का कितना, 12 या 11 इतना ही होगा, यानी 8-10 साल के बाद से मतलब घर में एक चिराग आया जिसका नाम क्या था, पंडित बिरजू महाराज। और ये भी इनका भी जिंदगी किस तरह से स्ट्रगल से भरा रहा, मेहनत से भरा रहा, यहां देखिए। अब देखिए यहां देखिए क्या हुआ, अब यहाँ के इनकी 3 बहन थी, अम्मा का उम्र उस समय 18 वर्ष था जब इनका जन्म हुआ। यहाँ देखिए रामपुर के नवाब साहब के यहाँ नृत्य, अब देखिए हुआ क्या, इनके पिताजी नृत्य करने वाले थे, जो ही कोई फंक्शन पड़ता था तो नृत्य करने के लिए, कथक डांस वगैरह करने के लिए, आप देखिए होंगे मूवी वगैरह में भी कैसे कैसे लड़कियाँ कथक डांस करती हैं, ठीक है, वो डांस करने के लिए अलग अलग नवाब लोग बुलाते थे, तो साथ में पिताजी के साथ बिरजू महाराज भी जाते थे। लेकिन बिरजू महाराज देखते देखते हर एक डांस सीख गए कि वाओ ऐसे डांस होता है, ठीक है, और धीरे धीरे अब मान लीजिए ये खानदानी डांस था, उनके चाचा जी भी नृत्य करते थे, उनके पापा भी करते थे, अब ये भी देखते देखते सीख गए और नवाब साहब के यहाँ डांस करने लगे। नवाब साहब को डांस पसंद आ गया, अब कोई भी फंक्शन होता था तो बेचारे छोटे से बच्चे को बुला के डांस करवाना शुरू कर देते, उनकी माँ डर जाती थी कि इतना छोटा बच्चा थक जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए मत भेजिए इसको, अपने पति देव से बोलती थी। लेकिन ये देखिए नवाब साहब क्या बोल रहे हैं, देखिए रामपुर के नवाब साहब के यहाँ नृत्य करते थे, कितने वर्ष उम्र था, 6 वर्ष का मात्र बिरजू महाराज का उम्र था, अभी तो हैप्पी हैप्पी फैमिली चल रहा है, ठीक है, लेकिन मामला कब से गड़बड़ होगा, यहां देखिए। अब बाऊजी द्वारा हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, ये क्या अर्थ है समझिएगा। अब उनकी पत्नी बार बार दबाव देने लगी, ठीक है, बिरजू महाराज की मम्मी, कि ये नृत्य करने नहीं जाएगा नवाब साहब के यहाँ। अब ये जा करके डायरेक्ट मना कर दिए कि मेरा बेटा, हम आ रहे हैं जब आपके यहाँ नृत्य करने के लिए, तो फिर मेरा बेटा नहीं आएगा, जबकि नवाब साहब को बहुत अच्छा लगने लगा था, कौन, बिरजू महाराज लगने लगे थे, ठीक है। अब बोले कि वाह इसका पेमेंट फिक्स कर दो, ये हमेशा डांस करेगा। अब ये इनके पिताजी सोचने लगे कि अब हे भगवान कुछ करके मेरे मालिक को, जो नवाब साहब है, उनके दिमाग में ऐसे कुछ भर दो कि क्या करें, बिरजू महाराज को छोड़ दे, यानी उनसे डांस नहीं करवाए ताकि हम अपने बेटे को लेके चले जाए, आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, वही हनुमान जी से मन्नत मांग रहे थे, समझिएगा। जा करके जब इनके पिताजी बिरजू महाराज के किससे, ये आपके नवाब
नवाब साहब से बोले, तो नवाब साहब वहाँ पे बोले कि अगर बिरजू नहीं आएगा डांस करने के लिए, ठीक है, यानी कि नृत्य करने के लिए, तो तुमको भी नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये खुश हो गए, चलो बला टली, ये है कि हम लोग यहाँ से अब डायरेक्ट छोड़ ही देंगे। और यहाँ पे जाकर के हनुमान जी को प्रसादी चढ़े। उस दिन से नवाब साहब के यहाँ ना बाबू जी गए और ना बिरजू महाराज गए। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब वहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह गए, यहाँ पे नृत्य, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज प्रथम संस्था जो था किस संस्था में गए, ठीक है, तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक, यानी कि निर्मला का था, ठीक है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में पहली बार वो जा करके ज्वाइन किए थे वहाँ पे, कौन, बिरजू महाराज, ठीक है। अब देखिए उसके दूसरा बार कौन, जुबली टॉकीज आमंत्रित, वहाँ पे भी आमंत्रित किया गया और पूरा का पूरा वो फेमस हो गया, अच्छा डांस वहाँ पे किए, नृत्य किए, लोग देखते रह गए, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है, पहला संस्था कौन था बिरजू महाराज का, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको प्रथम पुरस्कार मिला कोलकाता में, डांस चाचा जी कर रहे थे जिनका नाम था शंभू जी महाराज, ठीक है, बाबू जी थे इनके और बिरजू महाराज, ये तीनों आदमी डांस कर रहे थे, लेकिन सबको सबसे अच्छा डांस लगा छोटे बच्चे का, जो कि उस समय बिरजू महाराज थे, तो उनको प्रथम पुरस्कार कहाँ मिला था, कोलकाता में, तीनों आदमी डांस किए थे लेकिन इनको प्रथम पुरस्कार मिला। अब यहाँ पे आते हैं एक दुख की घड़ी, किसी कारणवश नहीं, अब मान लीजिए कि डांस वगैरह करने में भी थकावट हो जाता है, थकावट होने के बाद से पैदल, उस समय गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो लोग पैदल चलते थे, और जब बाबू लोग पैदल चलेंगे तो इतना धूप तेज था कि लू वगैरह लग ही जाएगा, उनके पिताजी को लू लग गया, ठीक है, गर्मी में आप देखे होंगे लू लग जाता है तो लोग आम घोल करके पीते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, उस समय अब जो भी था, लेकिन एक पिताजी में उनमें क्या थी, अब एक कमी समझो या फिर किसी के अंदर होता है, कोई भी बीमारी होगा ना तो उसको छिपा लेगा, ठीक है, अपने तक ही रखेगा, अपने प्रॉब्लम, अपने परेशानी को अपने तक ही रहेगा, दूसरे को नहीं बताता है कि हमको ये परेशानी। उनके पिताजी को लू लग गया था, फिर भी वो काम कर रहे थे, बीमार थे, फिर भी वो नृत्य वगैरह कर रहे थे, ठीक है। और इसी तरह एक दिन उनकी मृत्यु हो गई जब उनकी उम्र 54 साल थी, उस समय ये क्या बोलते हैं, बिरजू महाराज का उम्र 9.5 साल का था। आप बताइए, 9.5 साल के बच्चे के ऊपर से बाप का साया हट गया, उस समय इनकी क्या स्थिति होगी। कहा जाता है कि जब अपने ही साथ नहीं दे तो पराए पर क्या भरोसा। उस समय उनके चाचा जी भी छोड़ दिए जब उनके पिताजी, मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई, और उनके चाचा जी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे उनके पिता की मृत्यु, समझिए तो एक आफत की घड़ी है, उनके पिता की मृत्यु होगी, उसी समय उनके चाचा जी के दो लड़के की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अब लगे इनकी माँ को ताना मारने सब लोग कि देखिए ये पति को भी खा गई, ऐसे लोग गांव में बोलते हैं, ठीक है, आई दोनों बच्चे भी मर गए, मतलब चाचा जी के, तो झगड़ा वगैरह होने लगा। उससे पहले बिरजू महाराज अपनी माँ को लेकर के नेपाल चले गए, बोले कि हम लोग चले नेपाल, ठीक है, वहाँ पर हम लोग नृत्य वगैरह कर कर अपना जीवन बिताएंगे, ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए पिता की मृत्यु हो गई, अब परिवार की स्थिति खराब हो गई, एक कारण था लू लगना, ठीक है। अब देखिए बिरजू महाराज का उम्र था 9.5 साल, बाबूजी का उम्र कितना था, पिता का उम्र 54 साल था, ठीक है। और आखिरी अपना प्रोग्राम देके बेचारे मर गए, कहाँ पे, देखो मनपुरी में, याद मैनपुरी में जाकर क्या हो गए, मृत्यु हो गई, इनकी आखिरी प्रोग्राम यही था तीनों आदमी के साथ में, ठीक है। चाचा का नाम क्या था, तो चाचा का नाम शंभू जी महाराज, ठीक है। अब देखिए बेचारे के पास जैसे मरने के बाद श्राद्ध वगैरह होता है, तो श्राद्ध वगैरह से पहले भी, ठीक है, 10 दिन बाद होता है, 13 दिन बाद होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वो जो होता है यहाँ पे लिखा है 10वां करवाना 13वां करवाना, ठीक है, तो इतना पैसा नहीं था कि 10वां 13वां करवाया जाए, यानी कि मतलब श्राद्ध जो होता है वो करवाया जाए। तो अब बिरजू महाराज 9.5 साल का एक छोटा सा बच्चा, आप सोच सकते हैं, उस समय जा करके मतलब घर घर काम मांगता था, ठीक है, कि हम आपके यहाँ डांस कर रहे हैं, हमको कुछ पैसा दीजिए। तो उन्होंने किसी तरह दो प्रोग्राम करके 500 रुपया इकट्ठा करके, ठीक है, और क्या किया, बाबू जी का अपना 10वां और 13वां किया, कितना 250 रुपया अपना पैसा लेकर के प्रोग्राम किया। आप सोच सकते हैं, देखिए एक चीज़ बाबू हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ आपके पास है ना उसका कद्र करो, वरना एक ऐसा समय आएगा वो चीज़ नहीं रहेगा और उसकी कमी हमेशा खलेगी। बाप हमारे ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्सा है, माँ से बड़ा कोई हम दर्द नहीं और बाप से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं, ठीक है। अगर आपके दर्द को कोई बांट सकता है तो वो आपकी माँ है। अब यहाँ देखिए बिरजू जी महाराज, यहाँ शंभू महाराज का बुरा हाल हो गया, उनके बेटा की मृत्यु हो गई, बेचारे लोग नेपाल चले गए। अब 25-25 के, अब उसके बाद से वो क्या करते थे, अपने जीवन को यापन करने के लिए, बिताने के लिए वो काम ढूंढना शुरू कर दिए। 9.5 साल का बच्चा इधर उधर भटकने लगा, ठीक है, और 25-25 के दो ट्यूशन कराए,
तीन मील पैदल जाते थे कानपुर में, और 25-25 के दो ट्यूशन यानी 50 रुपये इकट्ठा करके अपने परिवार का जीवन चलाते थे। ठीक है, इनकी मम्मी भी बहुत मेहनत करती थी। यहाँ देखिए, अब सीताराम को नृत्य सिखाते थे, तो सीताराम को जब ये नृत्य सिखाते थे, एक तरह से ये अमीर घर का एक लड़का है सीताराम, याद रखिएगा, तो बोलते थे कि हम तुमको डांस सिखा दे रहे हैं, तुम हमको उसके बदले में पढ़ा दो। ठीक है, लेकिन परिवार का टेंशन इतना था ना कि वो 10वां पास नहीं कर पाए, क्योंकि परिवार का टेंशन 9.5 साल का बच्चा एक थोड़ा सा जब बड़ा हो जा रहा है तो एक दो जगह ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा है, लेकिन परिवार का प्रेशर इतना था कि उतना पढ़ने के बाद भी इनको पढ़ाई में रुचि नहीं रहा, क्योंकि नृत्य में फेमस था, इनका खानदानी एक पेशा था नृत्य। ठीक है, अब देखिए, कपिल जी द्वारा संगीत भारती से जोड़ना, लेकिन एक आदमी इसमें बहुत योगदान दी, जब इसको संगीत से काफ़ी लगाव है, नृत्य से काफ़ी लगाव है, तो क्यों ना एक संस्था में जोड़ देता कि वहीं पे ही बैठ करके अपना जो भी ये काम करता रहेगा। तो एक व्यक्ति थी कपिला जी, वो संगीत भारती में जोड़ दी। ठीक है, और संगीत भारती इनके घर से काफ़ी दूर था, वहाँ से बस पकड़ के जाना था और आना था, एक छोटे बच्चे 14-15 हो ही गया था उस समय उम्र। ठीक है, दरीगंज में ये रहते थे, 5 या 9 नंबर की बस पकड़ते थे, ये याद रखिएगा, पूछेगा किस नंबर की बस पकड़ करके वो क्या बोलते संगीत भारती में जाते थे, तो याद रखिए 5 या 9 नंबर की बस पकड़ के और वहां पे वो जाते थे, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जब यहां पे संगीत सीखने के लिए मतलब संगीत सिखाने के लिए जाते थे, तो उनको वहां पे पेमेंट अच्छा खासा मिलता था, 250 रुपया मतलब उनको मिलता था, काफी खुश थे वो पैसों से। महाराज जी की प्रथम शिष्य रश्मि थी। ठीक है, यानी कि जब वो अपना एक संस्था खोले तो सोचे कि इतने बड़े बड़े नृत्य करने वाले लोग हैं, तो हम अपना संस्था खोलेंगे तो हमारे पास कोई आईबे नहीं करेगा, तो जब नहीं आएगा तो किसी एक को खूब ट्रेंड कर देते हैं, तो सब लोग देखेगा, अट्रैक्ट होगा, उसे देखे बाप रे इस गुरु जी के पास गई है तो कितना अच्छा डांस कर ले रही है। ठीक है, तो सभी लोग उसी को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एक को ही बनाए, रश्मि को बहुत ही अच्छा मतलब डांस करने वाले नृत्यांगना बनाए। ठीक है, उसी को देख करके सभी लोग क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, यानी खींचे चले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराज जी पंडित बिरजू जी महाराज का प्रथम शिष्य कौन थी, तो रश्मि थी, याद रखिएगा। और याद इधर भी रखो कि यहाँ पे रश्मि वाजपेयी द्वारा ही ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ देखिए, कोलकाता में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, यानी कि वहाँ पे जिस तरह स्टेज प्रोग्राम वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे भी जब ये प्रोग्राम दिए तो पूर्ण रूप से ये फेमस हो गए, अखबार पेपर वगैरह में हर जगह इनका नाम आ गया, यानी कि पूरा प्रशंसा हुआ, और उसी समय से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी समझिए एक तरह से, ठीक है, बहुत बड़ा बौछार, खुशी का बौछार हुआ। ठीक है, यहाँ पे और उस समय उनकी ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस, वहाँ से चले गए मुंबई। ठीक है, किसने बुलाया, तो ब्रज नारायण द्वारा मुंबई बुला लिया कि वाह बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है, ठीक है, कथक नृत्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उनको बुला लिया गया, काफ़ी कड़ी मेहनत किए हैं और मेहनत का फल इनको मिला है। ये सोना नहीं जानते थे, सुबह में जल्दी ही उठ जाना 4 बजे, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर के 2 घंटा के लिए जा करके कहीं अपना ट्यूशन पढ़ा करके नृत्य का, फिर आ जाते, यानी कि सोचे कि अभी शरीर काम कर रहा है तब तक मेहनत पूरा करो। याद रखो, जिस दिन तुम समझ गए कि बस अब हम बहुत कुछ जान गए, अब हमको नहीं जाने, उस दिन आपका विकास रुक जाएगा और जिंदगी पूर्ण रूप से समझिए तो खत्म हो जाएगी। आंखों में नींद बहुत है, आलस बहुत सताएगी, पर कभी सोना नहीं, और यही समय है बाबू कुछ करने का, इस समय को कभी खोना नहीं। यानी कि अभी जो बाबू आपके पास समय बचा है मैट्रिक के एग्जाम के लिए, बहुत कम समय है, तो आंख में नींद आ रहा है, एकदम आलस आ रहा है कि अब जाके सो जाएंगे, ऐसा लगता है कि 5 मिनट थोड़ा सा, सुबह में क्या होता है 5 मिनट अगर और रेस्ट ले लेते ना तो हम क्या करते, फिर 5 मिनट के बाद उठेंगे। ठीक है, अब 4 बजे तो आप उठे हैं, 5 मिनट जैसे ही आप सोने की कोशिश करेंगे सोएंगे तब तो पता चलेगा 7 बज गया, बस अब अपने आप पर गुस्सा आएगा, ओ नो ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से होगा, लेकिन आपको सोना नहीं है, समय यही है, ठीक है, इसे खोना नहीं है। यहाँ देखिए, बहुत मेहनत करें, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 27 वर्ष के उम्र में मिला, ये आप याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो याद रखिए 27 वर्ष की उम्र में, लेकिन बेचारे इनका शादी हो गया था 18 वर्ष के उम्र में, यानी इनकी मां को बेचैनी था कि पिता की मृत्यु तो हो ही गई है जब बेचारे 9-9.5 साल के थे, अब थोड़ा से बड़े हो गए हैं तो इनकी शादी करा देते हैं, मेरे भी जिंदगी का क्या ठिकाना, कब चले जाए, कब आंख बंद हो जाए। ठीक है, तो इनको मतलब डर एक रहता था। ठीक है, तो उन्होंने उनकी शादी करा दी, लेकिन बिरजू महाराज अपने शादी को अच्छा नहीं मानते, बोले कि हमारे असफलता यानी अगर हम पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कारण है शादी, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाता है, हर प्रकार के
रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। एक पहले एक बेटे थे, अब किसी के पति हो गए, किसी के अब पिता बन जाएंगे, तो इतनी सारी जिम्मेवारी आएगी तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से शादी को एक प्रकार का एक प्रेशर मानते थे, इनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक रुकावट मानते थे। अब यहाँ पे यानी साक्षात्कार जो इंटरव्यूअर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किए ध्यान से समझिएगा। वो बोल रही है कि माँ का सहयोग, यहाँ पे क्या होगा, आपके ज़िंदगी में आपके माँ का क्या सहयोग है। तो आप बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग तो कितना ज़्यादा लिख सकते हैं कि बिरजू महाराज की ज़िंदगी में या फिर किसी के ज़िंदगी में माँ का क्या सहयोग होता है। अरे माँ है तो ये दुनिया है, एक तरह से समझो ना। माँ के वजह से ही हर व्यक्ति के अंदर एक हिम्मत आती है। जब सब लोग हार जाते हैं ना, जब सब लोग छोड़ देते हैं, तो उस समय हमको साथ देने वाली हमारी माँ होती हैं। जब सब लोग आपको कोस रहे हैं, अगर आप में एक गलती निकल जाए, उस समय साथ देने वाली आपकी माँ होती हैं। माँ का क्या कहना, इनकी जो माँ थी, ठीक है, वो कहते थे कि जब भी हम नृत्य करते थे तो हमारी माँ जज के रूप में रहती थी, ठीक है, और हम जब नृत्य कर लेते तो आके ये माँ से पूछते, माँ हम कैसा डांस किए, जहाँ कमी हो वहाँ बताना, ठीक है। माँ हर एक कमियों को दूर करती है। याद रखिएगा, अगर जिंदगी में आपका कोई साथ देगा तो वो सिर्फ माँ है, इसके सिवा सब ढकोसला है, सब बेकार है, फालतू है, बकवास है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। हर बुरा समय आपको चैलेंज देगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपके साथ खड़ी रहने वाली आपकी माँ होगी। कहा जाता है, एक गौर से सुनिएगा, हराने की कसम उसने खाई है तो जीतने का कसर हम भी नहीं छोड़ेंगे, और जब तक दुआ है माँ का मेरे सर पे, परेशानियों से लड़ेंगे और कभी ज़िंदगी में मुंह नहीं मोड़ेंगे। यानी बिरजू महाराज की ज़िंदगी में माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये आपको पूर्ण रूप से कहानी समझ में आई होगी। फर्स्ट लेयर में इनके जीवनी के बारे में बताया, सेकंड लेयर में उनके पिता के मृत्यु तो कैसे हुई, उसके बाद से थर्ड लेयर में उनका क्या क्या कंडीशन रहा, और लास्ट में जब वो बहुत अच्छा कर गए तो उनके द्वारा बहुत सारे इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन किए, प्रथम से श्री रश्मि थी, उनके माँ का योगदान के बारे में आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन बहुत मज़ेदार लगा हो। अगर मज़ेदार लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बात और, एक चीज याद रखिएगा, आपका एग्जाम में बहुत बेस्ट नंबर आएगा, ठीक है। याद रखिए, हम ज्ञापन एकेडमी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आपको कराया जाएगा, ठीक है, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझाया ऐसा जाएगा क्वेश्चन को ही। जब सब्जेक्टिव भी होगा, बड़ा बड़ा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय वाला 5 नंबर, वो भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।